नमस्कार, मैं सुमन शर्मा दादी तावे की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो और मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क पाउडर से मावा, जो इंस्टेंट बनता है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने 150 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, 100 ग्राम दूध लिया है और 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। कढ़ाई में देसी घी डालकर गरम कर लेंगे। पूरा घी पिघल गया है, अब इसमें दूध डालेंगे। दूध आप मलाई वाला भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ कच्चा लिया है, लेकिन आप उबला हुआ भी ले सकते हैं। हिलाते हुए गरम करें जिससे नीचे नहीं लगे, नहीं तो इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब कर देती है मावे को। कंटिन्यू हिलाते जाएं। देखिए दूध में बॉईल आ गया है और ये मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करके कंटिन्यू हिलाना है जिससे इसमें गांठें नहीं पड़े। मीडियम फ्लेम पे ही करना है इसको, हाई फ्लेम पे तो ये नीचे तले में लग सकता है। लो या मीडियम फ्लेम पे ही करें। थोड़ा सा घी और डाला है जिससे इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा और थोड़ी इसमें चिकनाई भी आ जाएगी, तो कोई भी मिठाई बनाएं तो उसमें ये और भी टेस्टी लगेगा। इसे आप कई तरह की मिठाई भी बना सकते हैं। ये देखिए गाढ़ा हो गया है, बर्फी बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, हलवे में डाल सकते हैं, और भी कई तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं आप इससे। अच्छे से पक जाए और गाढ़ा हो जाए थोड़ा। ये देखिए अब गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने तक इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे। ये देखिए इंस्टेंट मावा तैयार है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप इससे अपनी मन चाहे कोई भी मिठाई बना सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।